15 अगस्त 2022 पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। और क्यों ना मनाया जाता, हम भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और इस मौके को कहा गया स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भी स्वतंत्रता का ये अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, विभिन्न विद्या शाखाओं के निदेशक और साथ ही कई शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पहले चरण में विश्वविद्यालय कार्मिकों द्वारा एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी से लौटने के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी, कुल सचिव डॉक्टर रश्मि पंत, वित्त नियंत्रक श्रीमती आभा गरखाल, विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्या शाखाओं के निदेशक और विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों द्वारा शौर्य दीवार पर वीर शहीदों को पुष्प अर्पित कर याद किया गया। तत्पश्चात पूरा विश्वविद्यालय परिवार कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, जहां पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। और इसके बाद समस्त विश्वविद्यालय परिवार द्वारा राष्ट्रगान और देशभक्ति नारे लगाए गए। और कार्यक्रम के अगले क्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय कार्मिकों को स्वतंत्रता दिवस के इस अमृत महोत्सव की बधाई दी गई। आज का दिन
हमें गर्व से इसलिए हमें गर्व इसलिए हो रहा है कि 75 वर्ष हम आजादी के पूर्ण कर चुके हैं और हम सभी यहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने आजादी का वो समय नहीं देखा जो कि गुलामी का समय। भारतवर्ष को यदि हम देखें तो पता नहीं कितने सदियों से इस पर आक्रमण होता है, लेकिन यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, क्या बात है, चस्ती मिट्टी नहीं। इतने आक्रमणों के बाद, चाहे मुगलों का आक्रमण हो, चाहे उससे पहले हूनों का आक्रमण हो, या अंग्रेजों का के द्वारा हम लोगों के पास सत्ता धारित होते, इसके बाद भी हमारा अपना अभिमान बचा है और हमारा तिरंगा जो आज भी लगता है। यद्यपि एक काला अध्याय आज भी याद किया जाएगा जो भारत का जो है विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947, उसको भी हमें कहीं ना कहीं अपने मन में याद रखना चाहिए कि ये भारत का विभाजन क्यों, और हमें उसको देखते हुए भविष्य में रखना ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग एकता अनेकता में एकता हमारी बनी रहे, हमारा देश अखंड भारत बन सके। आज का दिन शुभ इसलिए भी है कि पहली बार आजादी के इतिहास में भारतवर्ष के हर घर में तिरंगा अभियान शुरू हुआ। ओपन यूनिवर्सिटीज में दो चीजें मिली, अगर फेस टू फेस वाले अर्जुन पैदा करते हैं तो हम भी एकलव्य पैदा करते हैं। हमारा ध्यान ये होना चाहिए एकलव्य का उठाना पड़े और एकलव्य जो अर्जुन के पैदल से खड़ा हो जाए। अधिक न कर करके मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, पुनः पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सबके प्रयास से, सबके अथक प्रयास से और सबकी जो है एक अच्छे विचार एक तरह से कर्मठता से विश्वविद्यालय दिनों दिन प्रगति करेगा। इस पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से जुड़े डॉक्टर राजेंद्र कैड़ा द्वारा किया गया। कुलपति महोदय की आज्ञा से कार्यक्रम समापन की घोषणा की गई। इस वर्ष की खास बात यह है कि यह अमृत महोत्सव का वर्ष है, ये आजादी के 75 साल का वर्ष है। मातरम वंदे मातरम, ये उनका देखने का तरीका था। अभी हम जिसको गा रहे थे, मैंने सोचा रविंद्रनाथ ने अपने देश को कैसे देखा। उन्होंने देखा तो उसको चारों कोनों से देखा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल गंगा जमुना उच्छल जलद तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। ये वो पंक्ति है जिस पर लोगों ने शक किया था, पूछा था कि किसके आशीष के किसके नाम से जाग रहा है। अच्छी रिसर्च हुई है और ये हमारी अपने देश को देखने की दृष्टि। अगर आप चाहते हैं कि आप जाने कि तब शुभ आशीष मांगे वो तब कौन है, किससे आशीष मांग रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद पंडित नेहरू का 1936 में दिया गया वो भाषण जो इसी नाम से है कि भारत माता कौन है, उसे जरूर पढ़ना चाहिए। इसी के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित इस अमृत महोत्सव का समापन हुआ। अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के